आज हम न्यू चैप्टर है, पेज नंबर नाइनटीन पर अबाउट द सी पी यू यूनिट नंबर थ्री जो है वो स्टार्ट करेंगे ठीक है अब सी पी यू क्या होता है इसके फंक्शंस क्या होते हैं ये कहाँ पर होता है क्यों यूज़ होता है ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं ए टी सी अब जिस तरह हमारा ब्रेन होता है हमारा ब्रेन हमारे सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है इसी तरह कंप्यूटर का भी एक ब्रेन होता है जो कंप्यूटर के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है हम जिस तरह ब्रेन के बगैर कुछ नहीं कर सकते इसी तरह कंप्यूटर का भी अगर ब्रेन ना हो तो कंप्यूटर भी कुछ नहीं कर सकता तो जो कंप्यूटर का ब्रेन है उसको सी कहते हैं द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सी पी यू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सी पी यू इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर ब्रेन होता है दिमाग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सी पी यू कंप्यूटर का दिमाग होता है द कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन विदाउट इट कंप्यूटर इसके बग़ैर काम नहीं कर सकता फंक्शन होता है काम करना जब हमारे पास जिस तरह दिमाग नहीं होता तो हम भी काम नहीं कर पाते इसी तरह जब कंप्यूटर के पास भी उसका ब्रेन नहीं होगा सीपीयू नहीं होगा तो कंप्यूटर भी सही तरह फंक्शन नहीं कर पाएगा द सी पी यू कंट्रोल्स एंड प्रोसेस ऑल द इंफॉमेश इन प्रोसेस होता है अमल दरामद करना इंफॉर्मेशन होता है कंप्यूटर तमाम सी पी यू जो होता है वो कंप्यूटर की तमाम इंफॉर्मेशन तमाम मालूम पर अमल दरामद करवाता है और उनको कंट्रोल करता है इट ऑल्सो डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द कंप्यूटर यह हदायत भी करता है तमाम मालूम के बहाव को और उनको कंट्रोल भी करता है कंप्यूटर में द सी पी यू इज हाउसड ऑन अ सिंगल चिप कॉल्ड द माइक्रो प्रोसेसर सी पी यू जो होता है वो एक छोटी सी सिंगल एक चिप होती है उस पर वाक्य होता है उस सिंगल चिप को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं और ये कहाँ लोकेट होती है कहाँ वाक्य होती है ये सिस्टम यूनिट में वाक्य होती है ठीक है अब ये देखें ये आपको सी पी यू दिखाया गया है इसमें यहाँ पर ये चिप होती है इस चिप पर ये सी पी यू होता है अब सीपीयू क्या क्या काम कर सकता है उन्होंने हमें सीपीयू पी के, के बारे में एक नॉलेज दी है मोस्ट सीपीयू कैन एग्जीक्यूट बिटवीन वन मिलियन एंड हंड्रेड मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड बहुत से सी हैं जो कि एक सेकंड के अंदर अंदर वन मिलियन या हंड्रेड मिलियन इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं उन पर काम कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस जो हम उन्हें हदायात देते हैं वो वन मिलियन या हंड्रेड मिलियन इंस्ट्रक्शन पर एक सेकेंड के अंदर अंदर वो काम कर सकता है सी इससे हमें पता चलता है कि सी कितना स्पीडली काम करता है ठीक है अब नीचे आए फिगर के आपको क्वेश्चन दिया गया सी के बारे में डज द सी पी यू डू द फॉलोइंग क्या सी पी यू ये कुछ कर सकता है जो हमें ये स्टेटमेंट्स में गिवन है आंसर विद द येस और नो हमने येस और नो के साथ आंसर करना है द सी पी यू डज नॉट प्रोसेस डाटा सी पी यू डाटा को प्रोसेस नहीं करता पर अमल दरामद नहीं करता डाटा पर डाटा वो डाटा वही होता है जो हमारे कंप्यूटर में सेव होता है इन्फॉर्मेशन वगैरह तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है सीपीयू प्रोसेस करता है डेटा को कंट्रोल भी करता है उस पर प्रोसेस भी करता है इस वजह से आप स्टेटमेंट के आगे नो लिखेंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है द सीपीयू पी डायरेक्ट्स द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर टू द प्रिंटर सीपीयू जो है वो कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को ले जाकर कंप्यूटर में प्रिंटर uh, में हदायत देता है कंप्यूटर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में इंफॉमेशन के बहाव के बारे में तो ये स्टेटमेंट ट्रू है सीपीयू ये काम करता है द सीपी यू डज नॉट एनेबल्प्यूटर टू फंक्शन सीपीयू कंप्यूटर को इस काबिल नहीं करता कि वो कोई फंक्शन कर सके कोई काम कर सके तो इस सीपी यू होगा तो कंप्यूटर फंक्शन कर सकेगा इस वजह से ये स्टेटमेंट भी फोल्स है तो आप नो लिखे द सीपीटेड इन द स्केनर सी पी यू क्या स्कैनर भी लोकेट करता है स्कैनर में वाकया है तो ये स्टेटमेंट भी फोल्स है सीपी यू जो है वो एक सिंगल चिप पर वाक्य होता है और वो सिस्टम यूनिट में होती है इस वजह से ये स्टेटमेंट भी हमारी फोल्स हो गई अब नेक्स्ट पेज पर आए पेज नंबर ट्वेंटी पर

तो देखें द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म्स ऑल द अर्थमेटिकल कैलकुलेशन सच एज एडिशन मल्टीप्लीकेशन एंड मेक्स ऑल लॉजिकल डिसीजनस परफॉर्म्स मीन मीनजाम देना अंजाम देना मैथ अर्थ अर्थमेटिकल कैलकुलेशन मीन्स हिसाब किताब एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन तो आपको पता है एडिशन मीन्स प्लस करना मल्टीप्लिकेशन मीन्स मल्टीप्लाई करना एंड मेक्स ऑल लॉजिकल डिसीजनस लॉजिकल होते हैं वो लॉजिकल डिसीजंस जिनकी कोई लॉजिक हो जिनका कोई मतलब हो तो उर्दू में उनको कहते हैं मंतकी और डिसंस फैसले तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो कंपोनेंट होता है सीपीयू का वो तमाम वो हिसाब किताब करता है जैसे मल्टीप्लाई करना या ऐड करना या कोई भी लॉजिकल फैस डिसीजनस करना वो तमाम जो मैथमेटिकल से मैथेमेटिक्स uh, से रिलेटेड चीज़ें होती हैं तमाम अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट्स में होती हैं वो ठीक है ये तमाम वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंडर होता है और वो तमाम कैलकुलेशंस जो होती हैं वो परफॉर्म करता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट देन है कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट्स होता है हदायत देना डिफरेंट पार्ट मुख्तें ऑफ़ द कंप्यूटर कंप्यूटर के जो कि कैरी आउट करते हैं इंस्ट्रक्शन को मतलब कि हदायत पर अमल करते हैं इट कंट्रोल्स कम्यूनिकेशन एंड कॉर्डिनेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस एंड द कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट क्या करता है कंप्यूटर मुख, के मुख्तु हिस्सों को हदायत देता है ताकि वह हदायत पर अमल करें जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं इनपुट करते हैं वो तमाम कम्युनिकेशन जो मवासिल होते हैं और जो हम कोऑर्डिनेशन मींस कोऑर्डिनेशन होता है हम आपस में जो आमांगी से बातें करते हैं ग्रुप ग्रुपिंग करने के बाद हम डिस्कशन के बाद कोई तो एक काम इकट्ठे मिलकर करते हैं उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन और हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के दरम्याम में जो हम पैदा करते हैं मतलब कि हम इनपुट देते हैं फिर हम साथ अगर हमने कोई चीज़ प्रिंट करनी है तो हम उसके लिए इनपुट देते हैं तो हम प्रिंट करने के, के लिए साथ प्रिंटर भी अटैच करेंगे तो हम साथ आउटपुट डिवाइस को भी उसके साथ कोऑर्डिनेशन करवाते हैं इस वजह से भी हमें चीज़ प्रिंट करके भी मिलती है तो ये सारा सिस्टम जो होता है वो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट मेमोरी यूनिट स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू प्रोसेस डाटा मेमोरी यूनिट क्या करता है डाटा स्टोर करता है इंस्ट्रक्शंस हदायात स्टोर करता है ताकि डाटा को प्रोसेस किया जाकर या किया जा सके डाटा पर अमल किया जा सके ठीक है नीचे दिखाएँ ये देखें आपको वो दिया गया इनपुट और आउटपुट ये ग्राफ बनाया गया इनपुट क्या करता है अगर हम इनपुट देते हैं अगर हम कैलकुलेशन से रिलेटेड देते हैं तो लॉजिकल यूनिट उस पर परफॉर्म करता है और आउटपुट देता है अगर हम उस पर कोई डिफरेंट पार्ट्स में हमको कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं कोई हमने ग्रुपिंग करके कोई जिस तरह मैंने आपको प्रिंटर की एग्जाम्पल दिया है वो करना हो तो हम कंट्रोल यूनिट के ज़रिए वो हमें आउटपुट देता है अगर हमने कोई चीज स्टोर की है इंस्ट्रक्शन में और हम उसको चलाना चाह रहे हैं तो वो मेमरी यूनिट के जरिए हमें आउटपुट देता है ठीक है वो मेमरी यूनिट में फिर उस चीज को ढूंढता है फिर हमें वो आउटपुट के जरिए डेस्कटॉप टॉप पर दिखाई देती है नेक्स्ट पेज नंबर ट्वेंटी वन पर आए पेज नंबर ट्वेंटी वन पर आए अब देखें फर्स्ट क्वेश्चन पर आए आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द गिवन मीनिंग्स आपने इन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है ढूंढना है जो जिनके ये मीनिंग्स हो ठीक है अब फर्स्ट वर्ड आपको ये ब्लैंक दी गई है वे ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन बाई यूजिंग टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इंफॉर्मेशन को सेंड करना भेजना उसके रास्ते क्या क्या हैं हम कम्युनिकेशन के जरिए रबते के जरिए इंफॉर्मेशन जो है वो टेक्नोलॉजी के जरिए भेज सकते हैं तो इस वजह से आप कम्युनिकेशन के स्पेलिंग्स कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप्स सो दे वर्क टुगेदर प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना ग्रुप्स बनाना ताकि हम इकट्ठे मिलकर काम कर सकें तो उसको कहते हैं कॉर्डिनेशन अभी मैंने आपको बताया कोर्डिनेशन का मीनिंग तो आप इसमें कॉर्डिनेशन के स्पेलिंग्स लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए विच पार्ट ऑफ सी पी यू इज यूज फॉर द फॉलोइंग कौन सा हिस्सा सी पी यू का इन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है टू कैलकुलेट टोटल बुक्स एंड ऑथर है कैलकुलेट करना जो ऑथर ने बेची है सोल्ट होता है बेचना ठीक है ऐसे तो ऑथर होता है जिसने किताब लिखी हो तो ए एल यू के जरिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये मैथ से रिलेटेड है तो ये अर्थमेटिक लॉजिकल अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट जो है वो इसमें यूज होगा टू गट द कॉपी ऑफ पिक्चर स्कैंड कॉपी हमें चाहिए तो उसके लिए हम स्कैनर साथ अटैच करते हैं तो हम इनपुट और आउटपुट के दरमियान में हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं कम्युनिकेशन कंट्रोल कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कंट्रोल यूनिट चाहिए होता है तो हम कंट्रोल यूनिट लिखेंगे टू सी या फ्लाइट स्कैजल ऑन मोनीटर मोनीटर पर फ्लाइट का स्केजुअल देखने के लिए हमने अगर कुछ स्केजुअल देख, देखना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे हम कंट्रोल यूनिट यूज़ करेंगे क्योंकि अगर हम इनपुट करेंगे हम फ्लाइट स्केजुअल के लिए तभी हमें इसके अकॉर्डिंग आउटपुट मिलेगा और वो आउटपुट और इनपुट के दरम्या में कोऑर्डिनेशन होगी तो इसके लिए हम कंट्रोल यूनिट जो है वो इसके लिए ये काम करेगा टू रिट्रीव डाटा स्टोर द कंप्यूटर कंप्यूटर पर जो डाटा स्टोर किया जाता है स्टोर हुआ होता है जमा किया जाता है हम स्टोर करते हैं उसके लिए जो रिट्रीव करना डाटा को डाटा को दोबारा यूज़ करना तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे हम मेमोरी यूनिट यूज़ करेंगे क्योंकि मेमोरी में हमने डाटा स्टोर किया जाता है इस वजह से हम इस स्टेटमेंट के लिए रिट्रीव करने के लिए डाटा हम मेमरी यूनिट जो है वो इसमें ऑपरेट करेगी और हमें डाटा जो है वो दिखाएगी ठीक है इस वजह से आप ये ब्लैंक्स फिल करें अब आपने इस चैप्टर की रीडिंग करनी है इन क्वेश्चन को फ़िल करना है और आप सी पी यू के बारे में आपको इसमें जो मालूम मिली हैं आप उनको अपने जहन में रखें इसके अलावा नेटिव स्लोगन है आगे बढ़ते रहो पढ़ना है रुकना नहीं अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफिज